पीके क्लासेस में आप लोगों का जैसा कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों ने कमेंट किया है एसएससी सीपीओ 2019 पर कट ऑफ बनाई जाए, क्योंकि आपका फिजिकल का भी रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद आपका 26 जुलाई का आपका पेपर था वो भी हो चुका है, और आंसर के भी रिलीज हो चुकी है, तो मतलब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आपका इसके बाद आपका हो चुका है, तो इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके डीवी के लिए रिजल्ट आएगा, तो उसमें कट ऑफ लग के आएगी कितना कट ऑफ आपका जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बताता हूँ कट ऑफ, दिल्ली के लिए भी सब इंस्पेक्टर के लिए बताऊंगा, और जो भी वैकेंसी इसमें आती है जितनी भी आपकी वैकेंसी रह जाती है इसके अलावा सब इंस्पेक्टर दिल्ली के अलावा, वो उसके बारे में कट ऑफ बताएंगे आपको कितने नंबर लाने होंगे मिनिमम। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, hingwasi@08 मेरे टेलीग्राम चैनल की आईडी है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, हम कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट आपको बताने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा आप चीज़ें समझिए। ठीक है, आप वीडियो को डिसलाइक लाइक दोनों कर सकते हैं, आपकी पसंद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जो आपके क्वालिफाई कैंडिडेट हैं आपके, देखिए कितने 4461, ये 2018 की फिजिकल का रिजल्ट है, ये किसका रिजल्ट है, फिजिकल का, और आपके नॉट क्वालिफाइड इतने हैं, और इतने लोगों ने एग्जेम्प्टेड हुए हैं मतलब छोड़ दिया, और इतने अबसेंट रहे यहाँ पर। ठीक है, 12,189 मतलब बहुत स्टूडेंट अबसेंट रहा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट इतने बुलाए गए थे, इस अभी आगे चलेंगे बताएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट देखिए आपका यहाँ पे कैटेगरीज वाइज देख लेता हूँ, अगर फीमेल के लिए देखूँ तो आप देखिए यहाँ 332 स्टूडेंट थे केवल क्वालिफाई किए गए थे, और मेल के लिए देखूँ अगर, तो मेल के लिए आप स्टूडेंट देखेंगे तो ये रहा आपका 4,418 मेल के लिए, जिसमें यूआर के 1,840, और ये छोड़ी दिल्ली को 1,667 आपके ओबीसी के, 344 एसटी के, और एससी के 425, ऐसे यहाँ 98 आपका यूआर, और 135 ओबीसी, 55 एससी और 27, सॉरी 55 एसटी और 27 आपका एससी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ फाइनल जो कट ऑफ आपका रहा था उसको भी हम बात करेंगे, और इसमें सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी कितना था। ठीक है, जो आपके स्टूडेंट बुलाए गए इतने 4,000 समथिंग कुछ बुलाए गए, 4,461 स्टूडेंट जो बुलाए गए, उसके हिसाब से देख लेते हैं वैकेंसी कितनी थी आपकी। चलते हैं, देखिए आप अगर वैकेंसी पर ध्यान देखें आप, तो देखिए ओपन के लिए बात करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे एससी सब इंस्पेक्टर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, और ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे आप ये यूआर का है, ध्यान रखिए, सॉरी मेल का है, ये मेल का कैटेगरी वाइज होते हैं, मेल का है, तो एससी का यहाँ 21 है, एसटी का 12 है, और ओबीसी का 66 है, और यूआर का 100 है। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी वैकेंसी थी कब, 2018 के लिए, कितने 2018 के लिए, और अदर वैकेंसी देखेंगे आप कंप्लीट, जो कंप्लीट वैकेंसी थी यहाँ देखेंगे 501 वैकेंसी थी यूआर के लिए, 306 थी ओबीसी के लिए, 92 एसटी के लिए, और 153 एससी के लिए। टोटल वैकेंसी जो फिलअप हुई थी वो आपकी 152 में से 150 फिलअप हुई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट नहीं मिल पाए थे, एक ओबीसी का और एक एससी का स्टूडेंट कम रहा था। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपने कुछ देखा, देखो यहाँ आप जब हम दिल्ली सब सेक्टर के लिए कट ऑफ बताएंगे तो आप लोग हो सकता है मेरी वीडियो को देखते ही डिसलाइक कर दें, ये देखते हुए पहले मेरी चीजों को समझना, यहाँ वैकेंसी पे ध्यान नजर रखना, लोगों की मैंने कट ऑफ देख रहे हैं, जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी ना, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको देखिएगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है आपका 2019 के लिए जो आपका पैट का रिजल्ट आया था वो है आपका, यहाँ जो आपके स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए 5,871 क्वालिफाई किए गए, और 45,000 समथिंग बुलाए गए, क्योंकि 5,5800 कुछ वैकेंसी है आपकी टोटल। ठीक है, देखते हैं, और ये सॉरी 5,800 नहीं, 2,500 कुछ वैकेंसी, हम पूरा कंप्लीट बताते हैं आपको, यहाँ हमने कैंडिडेट बता दिया आपके। ठीक है, यहाँ देखिए 508 आपके फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, और 5,446 स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए गए किसकी, मेल के लिए। ठीक है, जिसमें यूआर 1,446, ओबीसी 1,771, एसटी 531, इसमें नई कैटेगरी जुड़ी है एक आपकी ईडब्ल्यूएस, जो आपकी इसमें होती थी अब ये अलग हो गई, तो ईडब्ल्यूएस 713 और एससी 668। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं। अब हम देखो ये 2019 की बात कर रहा हूँ, अब हम चलते हैं वैकेंसी की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब आप वैकेंसी देख लीजिए, आप ये है आपकी टेंटेटिव वैकेंसी, ऑफिशियल है ये, ध्यान रखिएगा ये ऑफिशियल है। अब यहाँ आप दिल्ली के लिए देख लीजिए, मेल के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ अगर वैकेंसी आप देखेंगे
47 वैकेंसी है, इसका ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट डालेगा, 47 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी। अब हाँ ये कह सकते हो कि ये ईडब्ल्यूएस यहाँ पे मर्ज था तो हम कह देंगे 60 कंप्लीट मान लेंगे, अगर ऐसे आप सोचेंगे, क्योंकि पहले केवल यूआर था जिसमें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी रहते थे, तो यहाँ 60 बोल सकते हो, लेकिन तब भी 40 वैकेंसी आपकी कम है। इसको भी देखेंगे, क्यों ओबीसी देखें 38 और एससी के लिए ना के बराबर 2 वैकेंसी और एसटी के लिए भी 6 वैकेंसी है, और टोटल आपकी जी है 106 वैकेंसी ओपन है। एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल से कोई लेना देना है नहीं, तो केवल हम ओपन वैकेंसी को देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ फीमेल के लिए, अपनी बहनों के लिए भी देखूँ, तो बहनों के लिए देखिए यहाँ पे यूआर की है 36 और ईडब्ल्यूएस की है 8 वैकेंसी, ओबीसी की है 15 और एससी की है 14 और एसटी की है 6। वहाँ मैं फीमेल की वैकेंसी नहीं बता पाया, शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, तो कोई ना आगे देख लेते हैं ठीक है। और ये आपकी कंप्लीट वैकेंसी है, आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको कंप्लीट वैकेंसी बता रहा हूँ। ये देखिए 2365 वैकेंसी आपकी यूआर की है, सॉरी मेल के लिए है, और इसके अलावा इसके मिनट में, और ये आप देखेंगे 2365 आपकी मेल के लिए है और 169 वैकेंसी आपकी फीमेल के लिए है। कंप्लीट वैकेंसी जो है वो आपकी कितना है, 2534 वैकेंसी आपकी कंप्लीट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कितनी है 2534। और ये ESM का अलग है, इसको मैंने नहीं जोड़ा है ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, केवल इतनी वैकेंसी बात कर, मतलब 2534 2019, और अगर बात करूं 2018 की, तो 2018 में कितनी वैकेंसी थी आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1052 और 161 ऐसी कुछ वैकेंसी थी फीमेल की भी, तो ये कुछ वैकेंसी थी 1100, मैंने पीछे देखा नहीं, मैं भूल गया, एक मिनट देख लेता हूँ, और 1052 और 112 ओके, ये देखिए 100, ये रहा आपका मेल फीमेल, फीमेल की वैकेंसी हमने नहीं देखा यहाँ पे, केवल फीमेल की वैकेंसी नहीं देखा, ये कंप्लीट आपकी वैकेंसी है, इसको मिला लीजिए, ये आपकी वैकेंसी है ठीक है। तो आप देखिए वैकेंसी के अगेंस्ट आप देखेंगे ये ज्यादा है वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, ये केवल सीएफएफपी है, अगर इसके अगेंस्ट देखेंगे तो वैकेंसी आपकी ज्यादा है, यह बहुत ज्यादा है वैकेंसी आपकी पिछली बार से, तो आप यहाँ कट ऑफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है आपका वो पड़ेगा कि ये कितनी इंक्रीज होगी कट ऑफ, क्या ये इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, मतलब कितनी इंक्रीज हो सकती है, और यहाँ आपका इन सब कैटेगरी के लिए भी जो कट ऑफ जाएगी कितना जाएगी, आईटीबीपी सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ एसएसबी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, ये एक मिनिमम कट ऑफ बता दूंगा मैं, और यहाँ भी आपको हम कट ऑफ बता देते। अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ, आप लोग क्या कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे यूआर के लिए, यूआर वाले ध्यान रखिएगा, जो आपकी कट ऑफ गई वो 101 गई है, अगर आप टीयर वन की आप बात करेंगे और उस समय गई थी वो 147 कुछ गई थी आपका, तो यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ देखेंगे तो आपकी कम से कम मान लीजिए चलिए आपका 47 मतलब आपकी वैकेंसी कितनी कम हो गई, 53 वैकेंसी कम हो गई, अगर मैं 13 वैकेंसी निकाल भी दूँ तो यहाँ 40 वैकेंसी ऑलरेडी आपकी कम है, अगर 40 वैकेंसी आपकी कम है और यहाँ आपकी कट ऑफ कम है तो जो जाके आपका एवरेज मिला दे रही है कि आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं उधर ही पहुंचेगी जहां पहुंचनी चाहिए, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ होगी आप ध्यान से देखिएगा, जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 315 से प्लस, ये यूआर के लिए है। अब आप इसमें मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर सकेंगे, डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 115 प्लस कट ऑफ रहेगी, 315 प्लस कट ऑफ आपकी रहेगी ठीक है। ओबीसी की बात कर लूं, ये मेल के लिए बता रहा हूं, मेल के लिए बता रहा हूं, अगर ओबीसी की बात करूं आपकी, हम ओबीसी के लिए हम बोले तो ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 302 के आसपास जाएगी, 302 प्लस। एससी के लिए कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि वैकेंसी केवल 2 है, तो इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि पता नहीं कितने किस स्टूडेंट का कितना नंबर हो, तो इस पे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है ठीक है। अब बात करते हैं एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ आपका जाएगा वो इनका मान के चलिए आप कम से कम 275 से आसपास, 275 प्लस रहेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस और रह गया आपका तो ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका 300 रहेगा, 300 रहेगा, आप देख के चलिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, इसलिए मैंने कट ऑफ इसको हाइक कर दिया, पहले आपकी जो कट ऑफ गई थी 349 को समथिंग गई थी,
तो यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने 315 कर दी क्योंकि यहाँ टीयर वन का कट ऑफ कम गया था, लेकिन आपका जो वैकेंसी है वो आपको 40 कम है पिछले साल की तुलना करूँ तो आपका, तो आपका हो सकता है यहाँ पे क्या हो, कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज, 290 जो बता रहे हैं लोग वो बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि नहीं हो सकता है। इसमें एक फैक्टर और करेगा आपको, क्योंकि सीपीओ 2018 में लड़के सेलेक्ट हुए हैं तो वो हो सकता है इसको स्किप कर दें, तो इस हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ ये ही रहेगी 315 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 302, एससी की कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी क्योंकि वैकेंसी ही दो है इनका। एससी एसटी की बात करूं तो 275, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 300, ये मेल के लिए है। ठीक है, बात कर लेता हूं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए बात करूं, देखिए फीमेल की जो कट ऑफ पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 320 कट ऑफ गई थी आपकी, 320 समथिंग कुछ कट ऑफ गई थी, और यहां अगर बात करूं यूआर के लिए तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 300 प्लस रहेगी, आपकी भी 300 प्लस रहेगी यूआर के लिए अगर बात करूं। और ओबीसी के लिए बात करूं, आपकी ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 285 प्लस जाएगी। अगर बात करूं एससी के लिए, यहाँ कट ऑफ बता सकता हूँ, एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 260 जाएगी, और एसटी की बात करूं जो कट ऑफ की वो आपकी जाएगी 245 के आसपास, ये कट ऑफ रहेगी आपकी। और ईडब्ल्यूएस और रह गया आपका, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जनरल ओबीसी के आसपास 280 प्लस रहेगी, ये कट ऑफ है आप इसमें, इसमें प्लस ही मान के चलिएगा, माइनस तो मैं नहीं कहूंगा। और इसमें एससी वाले भैया नाराज ना हो क्योंकि इनकी कट ऑफ हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अगर आप जान नहीं कि कितना जा सकता तो आप मान के चलिए 285, सॉरी 285 के प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये आप मान सकते हैं, लेकिन एससी के दो वैकेंसी हम क्या ज्यूम कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका दहलीज के लिए हो गया। अब आपको मिनिमम नंबर बता देते हैं जिसपे आपको एक सिलेक्शन, कोई ना कोई आपको एक पोस्ट मिल जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि कितनी आपकी कट ऑफ रहेगी आपको, कि जिससे मिनिमम आपको एक जॉब मिल ही जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अब जिसको पसंद आ रहा हो, जिसके मुताबिक कट ऑफ होगी तो उसको पसंद आ रहा होगा, जिसके नंबर कम होंगे दिल्ली पुलिस से ही हो तो हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए और डिसलाइक भी कर सकता है वो, लेकिन आप फैक्ट देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको निकल के आएंगी कि हाँ ये आपकी कट ऑफ थोड़े से जाएगी, ज्यादा जाएगी जाएगी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं आपकी मिनिमम नंबर आपको जो चाहिए आपको कि एक पोस्ट मिल जाए आपको, मिनिमम नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ मिनिमम नंबर के लिए आपके, तो आप ध्यान रखिएगा यूआर वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो 270 से लेके 275 तक आपको मिनिमम मिल जाएगा, 100% आपको इतने मिल जाएगा। इसके बाद करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ आपकी रहेगी ज्यादा डिफरेंस होने वाला है नहीं, तो 260 के आसपास आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करूँ एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिएगा 245 पे आपको वैकेंसी पे आप कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, हो सकता है इसमें 240 करूंगा मैं, सॉरी 40 ही लिखा है मेरे में, मैंने एनालिसिस वहां 40 ही लिखा है, 240 पे मिल जाएगा। और एसटी की बात करूं तो आपको यहाँ पे 225 पे देखने को वैकेंसी कट ऑफ मिल सकती है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और स्टूडेंट भी कम है। ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस और रह गया यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ मैं ओबीसी से ही रिलेट करूंगा इसको क्योंकि डाटा है नहीं, तो 265 इसका मैं कहूंगा, इतनी 265 आपका जा सकता है, ये आपकी मेल के लिए हो गई। अगर फीमेल के लिए बात करूँ यहाँ पे, फीमेल के लिए अगर बात करूँ आपका, तो फीमेल के लिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो कट ऑफ थोड़ा सा इनका बताना आसान नहीं है, लेकिन तब भी हम बता देते हैं आपका कट ऑफ जो रहेगा यू आर के लिए, जो आपका कट ऑफ रहेगा आप मान के चलिए आपका जो कट ऑफ रहेगा 255 रहेगा, 255 से प्लस रहेगा, और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 245 प्लस रहेगा, और एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 220 रहेगा, और एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 205 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा 200